तो फिर मियां साहब, हाउ डू यू डिफाइन एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस सब्जेक्ट? इज इट अ साइंस सब्जेक्ट, इज इट आर्ट, इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट डू यू कैटेगराइज दिस एज? जब हम एक साइंटिफिक एरिया को अपने नॉलेज को रीड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ साइंस रीजन. देखें, ये सेलेशियल बॉडीज जो हैं, आसमानी जो प्लैनेटरी सिस्टम हैं, एस्ट्रोलॉजी इनके बगैर नहीं है, इनको हमें इस्तेमाल करना है. और महज ये देखने से एस्ट्रोलॉजी नहीं होती. आप मुझे ये बताएं कि इनकी मूवमेंट और कैलकुलेशन, क्या ये साइंटिफिक है कि नहीं है? कि आज जो सूरज है कल फलां डिग्री पे इतने बजे वहाँ होगा, बिल्कुल है, इट इज़ साइंटिफिक सब्जेक्ट. इसी की रीडिंग के साथ एस्ट्रोलॉजी बेस करती है. अगर वो रीडिंग गलत आ रही है, मसलन फॉर एग्जांपल एफीमेरिस कहलाती है जिसमें हमें प्लैनेटरी पोजीशन का डाटा मिलता है, और इसके ऊपर भी मैंने शायद पहले भी कई प्रोग्रामों में जिक्र किया, इसमें एक्यूरेट डाटा कैलकुलेशन का जो हमें मिलता था वो मिलता था अलमानिक से. अलमानिक वाज रिटन इन 1156 बगदाद में, मिर्ज़ा अल्टबेग ने लिखवाई थी अपने बेटे के लिए, जिसमें लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर में टाइम डिफरेंस है. इज़ इट अ साइंस और नॉट? एब्सोल्युटली साइंस. मैं इसके बगैर नामुमकिन हूँ, मैं नहीं कर सकता. जब मैं एक साइंस के टूल को यूज करता हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए, तो ये साइंटिफिक सब्जेक्ट. आपके पास वो मेरे ख्याल ऐप भी है, नासा की है, समथिंग, आप देखते हैं वो. क्योंकि उसकी रीजन, इससे पहले जब ये अपना हमारी कंप्यूटर इतना नहीं था, तो ये बुक्स होती थी, किताब आती थी जिसमें 200 साल 300 साल का डाटा होता था कि इस वक्त प्लैनेटरी पोजिशन ये थी ये थी. अब वो नासा का डाटा आता है. और इसमें भी मजे की बात आपको बताऊँ कि जो हमारी ऑब्जर्वेटरी इन बगदाद थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि मैंने बहुत साल पहले उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा कि जिसके ऊपर नासर को भी डाउट है कि माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस है प्लैनेटरी पोजीशन की मूवमेंट के, क्या वो ठीक है या ये ठीक है. ये लेकिन उसको उन्होंने बड़े सॉफ्टवेयर में डाल दिया, जो 2 सेकेंड में मैं डालता हूँ डाटा तो मुझे वो प्लैनेटरी पोजिशन मिल जाती है. तो इसलिए ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसके बगैर. और इसीलिए दूसरी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, इसीलिए इस एक सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत से एस्ट्रोलॉजर अगर एक सी प्रेडिक्शन दे सकते हैं तो वो एक साइंस ही है. अगर हम स्पिरिचुअल की तरफ आते हैं कि ये साइंस नहीं है, तो फिर हर आदमी दूसरे से फ़र्क बात करेगा. जब उसके सेट रूल्स और प्रिंसिपल हैं जो साइंस में होते हैं, तो तभी वो एक इलम बनेगा, वो ऑलरेडी है.